भारत की जमीन पर चाइना के बुलडोजर, मोदी सरकार की हो गई है बोलती बंद। ओवैसी ने किया है बड़ा हमला, कहा है साफ सुन गया है मोदी सरकार को। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आपको बता दें कि AIMIM के नेता ओवैसी, इनका बड़ा बयान जारी हुआ है। उन्होंने चाइना के बुलडोजर भारत में दिखने को लेकर, इस मामले को लेकर उन्होंने अपना बयान जारी किया है, साथ ही मोदी सरकार को भी घेरा है। सबसे पहले आपको ये इनका स्टेटमेंट आपको सुना दे, देखते हैं ओवैसी इन्होंने क्या कहा। हम प्रधानमंत्री से ये अपील करेंगे कि चीन के बारे में कुछ बोल दीजिए। आज अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन पर चीन के बुलडोजर, आ गए, वहां पर हमारी जमीन पर बुलडोजर आ गए तो कहा करेंगे बुलडोजर से मोहब्बत करने वाले। माने चीन बुलडोजर लेके आ गया तो ये टाइटाई हो जा रहे हैं लोग, कमजोरों पर बुलडोजर चलाएंगे, चलाओ ना। चीन हमारी जमीन पर चीन बुलडोजर ला लिया है, हमारी जमीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है, आप लोग खामोश बैठे हैं। सैमसंग गया क्या आप लोगों को? सत्ता में तो भाजपा है जो बुलडोजर के नाम पे फखर करते। जाओ ना अभी भारत की सरजमीन पर अरुणाचल प्रदेश में चीन बुलडोजर चला रहा है। देश के एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने उसको रिपोर्ट किया है, वहां पर क्या बोलेंगे फिर? चलिए उन जाके कम से कम उन बुलडोजरों को उठाकर लेकर आइए, चीन लेकर आया है। चलिए लिख जाइए जाके वो जो बुलडोजर हमारी जमीन पर अरुणाचल प्रदेश में, उन बुलडोजरों को उठाकर लाइए, आप लाइए ना भाई। हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है भाई, कुछ तो करिए भाजपा वालों। अरे भाई ये ऐसा मसला है अरुणाचल प्रदेश का कि हम तो प्रधानमंत्री से, भाजपा से अपील करेंगे फौरन पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और उस पर, ये हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर जो चीन बुलडोजर चला उस पर बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में। कब तक खामोश बैठेंगे चीन के बारे में? क्या बात है ये? बता दें कि बुलडोजर चलाना भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्य सरकारों का एक फेवरेट काम है, एक पसंदीदा काम है। और कई लोगों के घरों पर बीजेपी सरकार ने जो है बुलडोजर चलाया है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो। मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले भी सामने आए और दलितों के घरों पर भी बुलडोजर चलाने के मामले सामने आए। और इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भी आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि बुलडोजर की यह जो प्रक्रिया है, यह बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया है, यह दमनकारी है और लोगों को परेशान करने वाली है। लेकिन बुलडोजर मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े ही गर्व के साथ और बड़े ही घमंड के साथ बुलडोजर की प्रक्रिया पर काम कर रही थी। दिल्ली के अंदर भी बुलडोजर कई लोगों के घरों पर चलाए गए। इतना ही नहीं तो बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा के नाम पर भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने काफी प्रसिद्धि हासिल की है। लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है। चाइना ने अपने बुलडोजर अरुणाचल प्रदेश की धरती पर उतार दिए हैं और चाइना के बुलडोजर अब अरुणाचल की धरती पर, मतलब भारत की धरती पर उतर आए हैं। और इस बात को लेकर बीजेपी के कोई भी बुलडोजर मामा, बुलडोजर काका, बुलडोजर बाबा कोई भी इस पर बात नहीं कर रहे, ना ही इस देश के प्रधानमंत्री, जिनके भाषणों से ही चाइना कपकपा उठता था, उनका भी कोई बयान, कोई स्टेटमेंट अब तक का सामने नहीं आया है। इस पर ओवैसी, इनका बड़ा बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि बुलडोजर की जो प्रक्रिया है, बुलडोजर के माध्यम से जो सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो सजा देने का काम क्या बीजेपी सिर्फ दलितों और मजलूमों और पिछड़ों के ऊपर ही कर सकती है, वो चाइना को जवाब नहीं दे सकती। उन्होंने ललकारा है मोदी सरकार को, कहा है कि मोदी सरकार में अगर हिम्मत है तो जाए और चाइना के जो बुलडोजर है उन्हें वहां से हटा कर दिखाए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ओवैसी के बयान से मोदी सरकार को कितना फर्क पड़ता है और कितना मोदी सरकार जो है चाइना को डरा पाते हैं, धमका पाते हैं और इतना ही नहीं चाइना के बुलडोजर को जब्त कर पाते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।